ऐसे ही लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल प्रीस्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जियो के न्यू प्लान्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो चेंज हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो जियो का जियो धन धनाधन प्लान था, जो आपको 399 रुपये में 84 दिनों तक मिल रहा था, वही प्लान अब आपको 449 रुपये में 84 दिन तक मिलेगा, जिसमें आपको 84 GB डाटा मिलेगा। जियो का सबसे सस्ता प्लान जो कि 19 रुपये का था, जिसकी वैलिडिटी 7 दिन थी, वह अब उसकी वैलिडिटी 1 डे कर दी है। वहीं उसका जो 19 रुपये वाला प्लान था, वो अब बढ़ाकर 52 रुपये में कर दिया गया है, जिसमें आपको 7 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और आपको डाटा 1.5 GB मिलेगा। वहीं जो जियो का ₹98 का प्लान था, जो 14 दिनों की वैधता के साथ है, उसमें आपको 2.1 GB डाटा मिलेगा। ऐसे ही आपका प्लान जो पहले 98 रुपये का था, वो अब 49 का कर दिया गया है। आपको 149 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 28 दिनों की वैधता के साथ 4.2 GB डाटा मिलेगा। 302 रुपये वाले प्लान को कंपनी ने बंद कर दिया है, उसकी जगह पर कंपनी ने 399 वाला प्लान पेश किया है, जिसमें आपको 70 दिनों की वैधता के साथ 70 GB डाटा मिलेगा। पहले इसमें 84 GB डाटा 84 दिनों तक मिलता था। कंपनी ने 449 रुपये का नया प्लान पेश किया है, जिसमें आपको 84 दिनों की वैधता के साथ 84 GB डाटा मिलेगा। वहीं 509 रुपये वाले प्लान की बात करें तो आपको 49 दिनों की वैधता के साथ 98 GB डाटा मिलेगा। पहले इसमें 60 दिनों की वैधता के साथ 112 GB डाटा मिलता था। तो यह था जियो का न्यू प्लान, जो दिवाली के मौके पर झटके के साथ बदल गया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप एम रखते हैं 1000 लाइक का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली टेक जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।